हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन दुनिया के सबसे बड़े इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। 193 कंट्रीज यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, जिनमें से कुछ कंट्री यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं है। हम बात करते हैं उन कंट्री के बारे में, फिलिस्तीन, ऑसेशियो, अफकाजिया, वेस्टर्न सहारा, नॉर्दर्न साइप्रस। लेकिन कुछ और कंट्री मोस्ट पॉपुलर हैं जो इसके मेंबर नहीं हैं। पहला है कोसोवो, सेकंड है ताइवान, थर्ड है वेटिकन सिटी। दोस्तों, हम बात करते हैं कोसोवो के बारे में। साल 2008 में कोसोवो ने अपनी इंडिपेंडेंसी डिक्लेयर किया था सर्बिया देश के साथ। 100 कंट्री ने इसको इनविटेशन दिया था यूनाइटेड नेशन के मेंबर के लिए, लेकिन इसकी एंट्री नहीं हो पाई क्योंकि चाइना और रशिया ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। सेकेंड कंट्री है वेटिकन सिटी। 1944 में इस पर डिस्कशन हुआ था कि वेटिकन सिटी को यूनाइटेड नेशन में शामिल किया जाए या नहीं, लेकिन वेटिकन सिटी को रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि यह बहुत ही छोटा सा देश है, इसका क्षेत्रफल भी बहुत ही कम है और इसको 1964 में परमानेंट ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया। हम बात करते हैं ताइवान के बारे में। दोस्तों, सभी को पता है ताइवान अपने आप में मोस्ट पॉपुलर कंट्री है। 1945 में जब यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था तो ताइवान इसके फाउंडिंग मेंबर में से एक था और यह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसको जगह दिया गया था, यानी उसका भी मेंबर था। लेकिन 25 अक्टूबर 1971 को ताइवान की सीट चाइना को दे दिया गया था। 1971 के बाद जब भी ताइवान ने कोशिश किया यूनाइटेड नेशन का पार्ट बनने के लिए तो इसको एंट्री नहीं मिली क्योंकि चाइना ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, इसी प्रकार वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑन करें। थैंक यू सो मच।